हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ इनकट वीडियो ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 12 करेंगे, जो कि है लाइट सेंसर। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले एक पीजो साउंडर चाहिए, जो हमें पिछले प्रोजेक्ट में भी चाहिए था। टू वे स्क्रू टर्मिनल चाहिए, वो भी पिछले प्रोजेक्ट में चाहिए था। तो बेसिकली आपको पिछले प्रोजेक्ट से ये भी समझ में आ गया होगा कि पिजो साउंडर को टू वे स्क्रू टर्मिनल से कैसे कनेक्ट करते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा हमें चाहिए एक लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, जो कि LDR जिसे हम कहते हैं, और एक 10 किलो ओम का रेसिस्टर चाहिए। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम करने क्या वाले हैं, वो अभी सर्किट के समझने वक्त हम समझेंगे। तो प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि हम लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का यूज़ करके और ये साउंड सिस्टम का यूज़ करके एक अलार्म जनरेट करेंगे, जिसमें अगर लाइट ज़्यादा होगा तो अलार्म जो है वो फ्रिक्वेंटली बजेगा, और अगर लाइट कम होगा तो अलार्म का जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगा। तो वो कोड के थ्रू वो लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। फिलहाल सर्किट को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है सर्किट का, ये पार्ट तो हमने पहले कनेक्ट किया था प्रोजेक्ट नंबर 11 में, और ये जो पार्ट है सर्किट का, ये हमारे लिए नया है। तो ये पार्ट तो सेम ही है कि नेगेटिव टर्म पहले तो ये स्क्रू टर्मिनल टू वे स्क्रू टर्मिनल में आप इसको पीजो साउंडर को कनेक्ट कर लीजिए, और फिर उसका जो नेगेटिव एंड है वो ग्राउंड को चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है यहाँ पे, और जो पॉजिटिव पार्ट है इसका वो पिन नंबर 8 को चला जाएगा। तो ये पिछले प्रोजेक्ट का कनेक्शन हो गया। इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, क्या एडिशनल पार्ट है, कि ये 10 किलो ओम का जो रेसिस्टर है उसको आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। ये यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद उसका जो एक एंड है वो यहाँ पे यहाँ से ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई को चला जाएगा, और जो वहीं पे रेसिस्टर का जो दूसरा एंड है उसको आप LDR के एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दीजिए। LDR के जो लेग्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो और ये जो बीच में जिगजैग लाइन कह रहे हैं, ये एक्चुअली फोटो कंडक्टिव मटेरियल है, जिसपे अगर जब लाइट पड़ता है उस पर, जो LDR होता है वो एक्चुअली कैडमियम सल्फाइड होता है। तो ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल पे जब लाइट पड़ता है तो LDR अपना रेसिस्टेंस लूज़ करता है, मीन्स उसका रेसिस्टेंस घट जाता है, जिससे सर्किट में करंट बढ़ जाता है। तो ये बेसिक एप्लीकेशन जो ये प्रॉपर्टी है LDR का, उसको हम यूज़ करेंगे इसमें। तो LDR का जो एक लेग है, मीन्स इलेक्ट्रोड है, उसको आप कनेक्ट कर दीजिए रेसिस्टर के दूसरे एंड पे यहाँ पे, और वही उसी एंड को आप एनालॉग पिन नंबर 0 से कनेक्ट कर दीजिए, और LDR का जो दूसरा लेग है यानी कि इलेक्ट्रोड है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए ग्राउंड से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये हमारा बेसिक सर्किट है जो हम बनाएंगे, और आई होप कि आपको ये सर्किट अच्छे से समझ में आ गया। तो आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, मैं भी कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर कोड अपलोड करके चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने सर्किट को कनेक्ट कर लिया है। सर्किट में किसी तरह का मैंने कोई चेंज नहीं किया, जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल वैसा ही कनेक्ट किया है। तो आई होप कि आपने भी कनेक्ट कर लिया होगा। अगर आप को ये सर्किट समझने में सॉरी कनेक्ट करने में दिक्कत हुआ होगा तो मैं समराइज कर देता हूँ कनेक्शंस को एक बार फिर से। तो ये टू वे स्क्रू टर्मिनल और पीजो साउंडर का कनेक्शन तो आप जानते ही हैं कि एक एंड इसका ग्राउंड को जा रहा है और दूसरा एंड पिन नंबर 8। और फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने ये रेसिस्टर का बताया था कि रेसिस्टर का जो एक एंड है वो 5 वोल्ट पावर सप्लाई को यहाँ गया ये, और दूसरा जो ये दूसरा एंड है रेसिस्टर का वो LDR से कनेक्टेड है, और सेम एंड एनालॉग पिन नंबर 0 पर यहाँ पे जा रहा है। फिर जो LDR का दूसरा लेग है, मीन्स दूसरा इलेक्ट्रोड है, वो ग्राउंड को जा रहा है। तो ये कनेक्शन आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर आपको कनेक्ट करने में कठिनाई हुई है तो उसको कनेक्ट कर लीजिए। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कोड भी टाइप कर लिया है। आप भी कोड को पहले तो एज इट इज़ टाइप कर लीजिए, जो आपके बुक में दिया हुआ है। पहले उसको अपलोड करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे, फिर समझेंगे कि क्या हो रहा है कोड में। तो चलिए सबसे पहले कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने कोड को वेरीफाई कर लिया है और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। तो इसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है कि USB को PC से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद टूल्स में जाकर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि हमारा आर्डिनो जेन्यूनो ऊनो है, और फिर पोर्ट भी सिलेक्ट कर लीजिए। पोर्ट मेरे लिए COM3 है, ये आपके लिए डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो पोर्ट भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और कोड को अपलोड करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कंटिन्यूस एक साउंड आ रहा है यहाँ पे। ये बीप्स है, लेकिन बीप्स के बीच में डिफरेंस इतना डिले इतना कम है कि वो कंटिन्यूस लग रहा है। अब हम जब LDR पे ये आप एक थंब से इसको LDR को कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये
धीरे धीरे ये बीप्स आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे आप बीप्स, उसके बीच का जो डिले है वो और इंक्रीज होता जा रहा है। आप सर्किट को पूरा कवर कर दीजिए इसे, तो आप देखिए आपको बहुत टाइम के बाद, बहुत डिले के बाद बीप्स सुनाई देगा। इसको चेंज करने का और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको अनप्लग कर लीजिए, और अब क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा LDR वैल्यू था, जो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, आप डिले में इसको चेंज करके जो लास्ट डिले है उसमें 100 प्लस कर दीजिए, फिर आपको बीप्स जो है रिकॉग्नाइज आप अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए अपलोड नहीं करने, अगर आप USB कनेक्ट करके अपलोड नहीं करेंगे तो इस तरह का कुछ एरर आता है। तो मैंने USB को कनेक्ट नहीं किया था, अब मैं USB को कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर से अपलोड करूँगा। और आप देखिए यहाँ पे अब ये बीप्स आ रहे हैं, ये स्पीडली एक बीप्स आ रहा है जिसके बीच का डिले बहुत कम है। अब जैसे ही मैं ये LDR को कवर करता हूँ, LDR को कवर करूँगा तो ये इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू है ये घट जाएगा। तो रेसिस्टेंस वैल्यू घटने के कारण जो है इसमें का जो वोल्टेज आउटपुट है वो बढ़ जाता है, और डिले जो है हमारा उतना ही बढ़ जाता है क्योंकि हम डिले में LDR वैल्यू यूज कर रहे हैं। आप सर्किट को कवर कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा डिले आ जाएगा बीप्स के बीच में। तो ये डिले कैसे आ रहा है वो हम जब सर्किट को समझेंगे, सॉरी जब कोड को हम समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए आप कोड को समझ लेते हैं। ये हमारा आउटपुट तो आप देख ही लिया आपने। तो जब मैं कोड को समझा रहा हूँगा तो मैं तो आपको आउटपुट में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप आउटपुट में वो चेंज थोड़े थोड़े चेंजेस ला के आप और चेक करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा कोड जो अभी हमने अपलोड किया था। इन जो पहले के 3 लाइन में कुछ इनिशियलाइजेशन किए गए हैं। पहला तो पीजो पिन है अपना, पीजो पिन नंबर 8 जो कि पीजो पिन जिसे कनेक्टेड है डिजिटल पिन नंबर 8 से। फिर LDR पिन है वो कि 0 है, मतलब हमारा एनालॉग पिन 0 से कनेक्टेड जो है हमारा ये LDR वो है। और फिर LDR वैल्यू है, ये रीड करता है कि LDR का जो वैल्यू है वो रीड करता है। सेटअप पे हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद लूप फंक्शन में जब हम आते हैं तो LDR वैल्यू यहाँ पे एक लाइन, ये जो लाइन है पहला लाइन, LDR वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रेट ऑफ LDR पिन। तो एनालॉग रेट फंक्शन यूज करके हम वैल्यू रीड कर रहे हैं LDR से। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि फिर उसमें जो पीजो पिन होता है उसमें हम टोन सेट कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है कि टोन टोन फंक्शन का यूज़ करके हम पीजो पिन से साउंड जनरेट कर रहे हैं 1000 हर्ट्ज़ का। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टोन फंक्शन के 3 पैरामीटर होते हैं, एक होता है पिन नंबर जिसमें जिसे पीजो कनेक्टेड है, दूसरा होता है ये हर्ज, कितने फ्रिक्वेंसी का मीन्स कितने फ्रिक्वेंसी का आपको साउंड चाहिए वो उसको हर्ज में आप देते हैं, और तीसरा होता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो उसकी जगह पे आप डिले भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम डिले यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ 25 मिलीसेकंड का हम डिले देते हैं। उसके बाद नो टोन, मतलब हम स्टॉप करते हैं टोन को। पीजो पिन नो टोन फंक्शन का यूज़ होता है कि टोन को मतलब साउंड जनरेशन स्टॉप करने के लिए। तो उसमें हमको सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए होता है, वो होता है पिन नंबर, कि जिससे पीजो पिन कनेक्टेड है हमारा, पीजो साउंडर कनेक्टेड है, सॉरी पीजो साउंडर हमारा कनेक्टेड है, उस डिजिटल पिन नंबर को आप इसमें इसके में एज ए आर्गूमेंट दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, उसके बाद यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि ये डिले दे रहा है LDR वैल्यू का, मतलब यहाँ पे जितना वैल्यू रीड करेंगे उतना ही वैल्यू यहाँ पे वहाँ उतना ही वैल्यू का यहाँ पे डिले दिया जाएगा। तो बेसिकली अभी जनरली आप बात को समझिए कि जब हम यहाँ पे, आप आउटपुट में चेक करिएगा कि जब लाइट रहता है, मतलब मैं लाइट जब LDR पे पड़ रहा होता है तब उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है और करंट उसके थ्रू बढ़ जाता है। तो उस पर जो ये होता है वोल्टेज आउटपुट उसका होता है वो कम आ रहा है। वोल्टेज आउटपुट बेसिकली एनालॉग रीड जो है वो रिटर्न करता है LDR पिन के में जो वोल्टेज रीड कर रहा है वो, तो उसका वैल्यू वो रिटर्न करता है। तो वोल्टेज आउटपुट जो है ना वो उसका घट जाता है जब उस पर लाइट पड़ रहा होता है। और जब लाइट जैसे ही हम उसको कवर करते हैं तो कवर करने पे वो उस पर जो लाइट का जो पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है, उससे जो हमारा वोल्टेज जो उस पर रीड कर रहे होते हैं वो ज़्यादा हो जाता है और उससे डिले का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये तो अभी जनरल जनरल केस ये है कि ये ऐसा हो रहा है सर्किट में, वो क्यों हो रहा है चलिए देखते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ये जो
हम जो रेसिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं 10 किलो ओम का और एलडीआर कनेक्ट कर रहे हैं जिसका मैक्सिमम वैल्यू 100 किलो ओम तक जाता है, तो ये जो है ना ये दोनों आपस में कनेक्ट होके क्योंकि सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो मतलब वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट कर रहे हैं। तो एक वोल्टेज डिवाइडर जो है ना वो कुछ इस तरह का दिखता है जिसमें क्या होता है कि हम दोनों रेसिस्टर को जो कि सीरीज में कनेक्टेड है उसको इनपुट दे रहे हैं और जो हम आउटपुट ले रहे हैं वो सिर्फ एक ऐसे रेसिस्टर के अलोंग ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा सर्किट में जो करंट सॉरी जो वोल्ट रेसिस्टेंस जा रहा होता है वो कम हो जाता है। तो हम क्योंकि हम वोल्टेज इस रेसिस्टर के अलोंग ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला जनरेट होता है कि वी आउट जो होता है वो क्योंकि आर टू के अलावा ले रहे हैं तो ये हो जाता है आर टू अपॉन आर टू प्लस आर वन इंटू वी वन सॉरी वी इन जो हम वोल्टेज दे रहे हैं। अगर हम ये आर वन के अक्रॉस लें तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे आर वन आ जाएगा और ये नीचे तो आर वन प्लस आर टू ही रहेगा। तो जिसके अक्रॉस ये वोल्टेज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको वो वैल्यू ऊपर आ जाएगा और नीचे आर वन प्लस आर टू ही रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है उसका वोल्टेज आउटपुट का। तो इसमें जो है जो हमारा सर्किट है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम वैल्यू रीड कर रहे हैं वो यहाँ एनालॉग पिन नंबर 0 और उसका जो दूसरा एंड है वो एलडीआर का वो दूसरा ग्राउंड पे है। तो हम जो वोल्टेज रीड कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारा वी आउट आ रहा है। तो हमारा जो आर टू है इसमें जो आर टू है वो हमारा एलडीआर है। ये जो है ये एलडीआर है और ये आर वन जो है ये 10 किलो ओम है। आप ऐसे समझिए ये आर वन हमारा 10 किलो ओम है। तो आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज देके चेक करते हैं। तो आप अगर सेम वैल्यू डालते हैं कोई भी वैल्यू डालिए, यहाँ पे मैंने 100 लिया है आपके क्योंकि बुक में आपके 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 2000 कुछ भी लीजिए। तो जब आर वन इज इक्वल टू आर टू होगा तो ये इसको हम आर मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर अपॉन टू आर मतलब हाफ हो जाता है मतलब वी इन बाई टू। तो वी आउट इज इक्वल टू वी इन बाई टू हो जाता है। तो अगर वी आउट वी इन जो है हमारा 5 वोल्ट है जो कि जनरली होता है हमारे आर्डिनो में, तो वी इन अगर मेरा 5 वोल्ट है तो वी आउट में 2.5 वोल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम होने पे अगर सेम हुआ तो ये 100 डिवाइडेड बाई 200 × 5 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए मेरा आर टू ज़्यादा है मतलब हम आर टू के क्रॉस ले रहे हैं सॉरी आर टू कम है तो मान लीजिए आर टू जो है वो आर वन का हाफ है मतलब ये जो आर टू का वैल्यू आर डी आर का वैल्यू है ये इससे कम है, आर वन का हाफ है मतलब 5 किलो ओम है। तो यहाँ पे 500 अपॉन 500 + 1000 हो गया तो इंटू फाइव करने पे ये 1.66 वोल्ट हो जाता है जो कि कम हो जाता है यहाँ से जब इक्वल था उससे कम हो गया। ये इक्वल के केस में है, ये जब आर टू हमारा आर टू जो है वो कम होता है और ये केस आता है जब हम आर टू को बढ़ा देते हैं मतलब डबल कर देते हैं आर वन से। ये जो आर टू है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज ले रहे हैं और वो हम डबल कर दिए इससे आर वन से, तो इस केस में क्या होता है कि ये 2000 अपॉन ये जो है वैल्यू ये बढ़ जाता है, ये जो वैल्यू है ये बढ़ गया आपका। इसमें जो हमारा आर टू था वो क्योंकि वो बढ़ गया था तो इसे एक टेबल जनरेट एक ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपके बुक में दिया गया है वो जनरेट किया गया कि जब डार्केस्ट लेवल पे है लाइट जब डार्केस्ट लेवल पे है तब जो आर टू का रेसिस्टेंस है वो हाईएस्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो जिगजैग लाइन होता है यहाँ पे जो जिगजैग लाइन होता है ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल होता है और इस पर जब लाइट पड़ता है तो ये एलडीआर अपना रेसिस्टेंस लूज़ करता है मीन्स एलडीआर का रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जब डार्केस्ट है तब एलडीआर का रेसिस्टेंस सबसे हाईएस्ट होगा। आर वन तो मेरा फिक्स्ड है 10 किलो ओम, ये आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड है और ये जो आर ये डार्क जब डार्केस्ट है तब एलडीआर का वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होगा 100 किलो ओम। जैसे जैसे लाइट इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे देखिए जैसे जैसे लाइट इंक्रीज कर रहा है मतलब 25% लाइट आया तो ये धीरे धीरे 73 किलो ओम हुआ और ये 50% लाइट आने पे ये 45 किलो ओम हो गया। आटो ये एक ऑब्जर्व किया गया वैल्यू है मतलब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया वैल्यू है कि जब लाइट का वैल्यू जो है मतलब लाइट लेवल जो है वो घटा के आधे पे कर देते हैं तो ये 45 किलो ओम का रेसिस्टेंस हो गया। ये 75% मतलब जब लाइट का वैल्यू हो जाता है तो सॉरी यहाँ पे बढ़ा के लाइट लेवल को बढ़ा के जब 50% कर दिया जाता है मतलब लाइट इंक्रीज हो जाता है
तो LDR का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लाइट पड़ने पर LDR अपना रेजिस्टेंस लूज करता है, और जब लाइटेस्ट होता है तो ये 10 किलो मतलब बराबर पे आके वैल्यूज हो जाता है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2, ये वाला केस होता है, उस टाइम आउटपुट वोल्टेज 2.5 वोल्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे LDR का वैल्यू नीचे डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे वोल्टेज जो है उसके अक्रॉस वो भी डिक्रीज कर रहा है। और LDR का वैल्यू डिक्रीज कब कर रहा है, जब हमारा लाइट जो है इंक्रीज कर रहा है। तो यही होता है कि जब जब स्टार्टिंग में जब हमने जैसे ही कनेक्ट किया था और कोड को अपलोड किया, लाइट सबसे मैक्सिमम पे था, लाइट सबसे मैक्सिमम पे था, तो यहाँ पे कोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ डिले LDR वैल्यू दिया गया है, और LDR वैल्यू क्या हो रहा है, जो वोल्टेज हमारा रिटर्न कर रहा है। तो लाइट मैक्सिमम पे था, तो वोल्टेज जो यहाँ पे रीड किया वो मिनिमम था, मिनिमम होने के कारण जो हमारा डिले था वो बहुत कम था, मिनिमम पे था। जैसे ही लाइट हमने इसको कवर किया, ये LDR को जैसे ही हमने कवर किया, ये हाथ से या फिर थंब से आप कवर करेंगे, तो उसका जो है लाइट डार्कर होते जाएगा, लाइट डार्कर होते जाएगा, मतलब जो लाइट लेवल है वो डार्कर की ओर ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। तो उसका जो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा तो उसका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ये हमारा जो वी आउट है, वी आउट भी इंक्रीज होता जाएगा, ये ऊपर की ओर इंक्रीज होता जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो वोल्टेज जो इंक्रीज होगा तो LDR वैल्यू भी इंक्रीज होगा, LDR वैल्यू इंक्रीज होगा तो डिले भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वही हो रहा था कि जब हम कवर कर रहे थे या ये ऐसे कवर कर रहे थे या थंब डाल रहे थे, तो LDR वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा था क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था, और उससे जो डिले जो है वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो हमें जो है बीप्स के बीच में जो डिले है वो सिग्निफिकेंट लग रहा था, और जब स्टार्टिंग में था, जब एकदम लाइट लेवल मतलब मैक्सिमम पे था, तो तब जो डिले का वैल्यू था वो कम हो जा रहा था, मतलब LDR का वैल्यू कम हो रहा था तो डिले भी कम हो जा रहा था, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा था, मतलब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, वो एक कंटिन्यूस साउंड लग रहा था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये इस प्रोजेक्ट के पीछे ये कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से मैनुअल को भी पढ़ें और एक बार फिर से इस वीडियो को भी देखें। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ आते रहेंगे। ये पीजो साउंडर का आखिरी प्रोजेक्ट था, मतलब दो ही प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे पीजो साउंडर पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट आएगा वो और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।